हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम पटना में आए हुए हैं, ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूं कि आपके क्लास टेंथ में जो संस्कृत लेसन टू पाटलिपुत्र वैभम, उससे जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आपके पटना से ही बनते हैं, इसीलिए आपको पटना के बारे में हम बता देना चाहेंगे। और पटना के बारे में आपको किस तरह से क्लास टेंथ में संस्कृत का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, कि जैसे आपको पूछेंगे कि पटना में जो गोलघर बनाया गया था किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो आपको बताना है कि अनाज रखने के लिए बनाया गया था। और साथ ही आपको इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पटना में सबसे बड़ा पुल कौन सा है, तो आपको बता देना गांधी सेतु पुल, जो कि अभी हम जाने वाले हैं, अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। जब हम जाएँगे तो आपको फिर हम उसका भी वीडियो बनाकर आप लोग को दिखाएंगे, और इस चीज़ का एंजॉय लीजिएगा, ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूँ कि ये जो प्लेस है काफ़ी अच्छा प्लेस है, हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के। आप भी एक बार आकर ज़रूर इसको देखें, ठीक है। और इससे आपको क्या होगा कि आपकी जो भावना होगी, आपकी जो मन होगी, वो शांति हो जाएगी। और मैं आपको बता दूँ कि और भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मान लिया जाए पटना में कौन सा नदी है, तो आपको बताना गंगा नदी है। और पटना में जो गंगा नदी है वो किस दिशा में बहती है, तो आपको बताना है उत्तर दिशा में बहती है। इस टाइप के प्रश्न आपके जो है क्लास टेंथ संस्कृत में जो पाटलिपुत्र वैभम है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।